सुदामा बोले हैं सुनो भावनी, बचपन में हम गुरुशाली पर गया जब विद्या ग्रहण कर रहे थे, तब आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे ये हमारे बचपन के मित्र हैं। बचपन में हमसे एक बहुत लंबी भूल हो गई भावनी। एक दिन मैं लेना न करी गुरु मैया ने चला दे मोसनी छ नठनी प्यारी अकेले ने पूछी का खैरो मैंने बोला के जवाब बताए इसी श्राप से मेरी प्यारी तीन परी बोले भामनी, आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे ये हमारी बचपन के मित्र हैं। बचपन में हमसे एक बहुत लंबी भूल हो गई थी जो थोड़े से चना के लालच में आकर के कन्हैया सब झूठ बोल गए। आज वो राजा बने बैठे हैं, हम भीख मांग करके अपना गुजारा कर रहे हैं। भक्तजनों, इधर भामनी बोली है महाराज, कन्हैया से छल कपट करने के बाद में तुम जीवन में सुख चाहते हो? कभी नहीं मिलेंगे। क्या? कभी नहीं मिलेंगे। एक बात सुनो महाराज, सुख चाहते हो कभी नहीं मिलेंगे, चले जाओ चले जाओ। बोली महाराज, द्वारिका में चले जाओ, ना धन मांगना ना दौलत मांगना, रहने के लिए मकान मत मांगना, केवल अपनी भूल की माफी मांगना और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, चले जाओ। सुदामा बोले भामनी, तुम कैसी बातें कर रही हो, वो तो बहुत बड़ा राजा है, भला हम कैसे जाए, और हमारे पास कुछ है भी नहीं, तुम्हें नहीं मालूम है भामनी, हम नहीं जाएंगे। भामनी बोली महाराज, हमारी बात मानो, चले जाओ। क्या?